हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम प्रीत तिवारी और आज मैं फिर से आप लोग के लिए एक बहुत ही खूबसूरत सा भाई बन लेके आ गई हूँ, जो कि इतने छोटे हेयर में काफ़ी खूबसूरत लगेगा, स्टाइलिश लगेगा। तो आपके भी बाल अगर मेरी तरह है तो आप ये हेयर स्टाइल डेफिनेटली ट्राई कीजिएगा। एंड बड़े बड़े हैं तो भी बना लोगे, एंड पतले हल्के हैं तो भी बना सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नया जल्दी से सब्सक्राइब करके साथ मिलकर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इसी तरीके की इजी हेयर स्टाइल ट्यूटोरियल्स वीडियोज आप लोगों से मिस ना हो। एंड सेकेंड चैनल पे मेकअप ट्यूटोरियल, मेकअप की बारीकियाँ, जो छोटी छोटी मिस्टेक आप लोग करते हो वो सारी चीज़ें लेके आती हूँ। एंड ड्रेस डिजाइनिंग से रिलेटेड वीडियोज़ लेकर आते रहती हूँ। तो प्लीज़ गो टू माय सेकेंड चैनल प्रीत तिवारी 2। इंस्टा पर मेरी रील्स वीडियो अपलोड होते रहती है, तो प्लीज़ इंस्टा आईडी पर भी जाइएगा। इंस्टा आईडी है प्रीत तिवारी 24। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो आज जो मैं हेयर स्टाइल करने वाली हूँ वो साइड पार्टीशन से होगा। एंड बैक में पहले आपको ईयर टू ईयर पार्टीशन करनी है बालों की, इस तरीके से। देन इस साइड के हेयर को पूरा ऊपर की तरफ ले लेना है, एक ही साइड से आपको रखना है बालों को। अच्छे से कॉम करना है पूरा क्राउन एरिया पे, ऊपर की तरफ कॉम करके लेके आएंगे। इस साइड के हेयर को पूरा अच्छे से कॉम कर लेंगे। ओके, अब आपको लेना है एक रबड़ बैंड। अच्छे से रबड़ बैंड को टाइटली लगा लीजिएगा। अब जो आपने इस साइड के हेयर छोड़े हैं इनको सिंपली यहाँ पे उठाएंगे और इसमें ब्रेड बनाना स्टार्ट करेंगे। उल्टी ब्रेड जो बनती है उस तरीके से बनानी है, उल्टी छोटी। आराम आराम से, बिल्कुल भी जल्दीबाजी नहीं करना। थोड़ा थोड़ा लेयर दोनों साइड से लेंगे और इसमें मिक्स करते जाएंगे। बालों का पत्ता पत्ता से सेक्शन लेके चोटी के साथ मिक्स करते रहेंगे। फ्रेंच चोटी में एक सीधी तरफ से बनाते हैं, जिसमें कि हमारी चोटी अंदर की तरफ जाती है, बट उल्टी चोटी में आपकी जो चोटी होती है ऊपर की तरफ से आती है, तो आपको उल्टी चोटी बनानी है यहाँ पे। जैसे हम लोग फ्रेंच चोटी बनाते हैं तो ऊपर से ला के मिक्स कर देते हैं बालों को, बट जब हम लोग उल्टी चोटी बनाते हैं तो ये जो हमारा लेयर था इसके नीचे से हेयर को लेके जाएंगे एंड मिक्स करेंगे बालों में। एंड तक घुटने के बाद से जो आपका एक लेयर है उसमें से टू पार्ट डिवाइड कर देंगे और अंदर की तरफ इस तरीके से लेकर जाएंगे। पूरा पूरा लेंगे तो बहुत चोटी जो है वो सिंपल चोटी टाइप की दिखेगी, बट इस तरीके से आप लोगे तो थोड़ा थोड़ा ही खजूरी चोटी जो हमारी होती है उसका लुक देगी। अब पूरा एंड तक इसको घूट लेंगे लेंगे। ओके, पतले भी बाल हैं तो काफी अच्छे लगेंगे ये वाला हेयर स्टाइल आपका, क्योंकि जब आप ऊपर से चोटी बना दोगे तो आपका पतले बालों में भी अच्छे से आ जाएगा। बहुत ज्यादा पतले हैं थोड़ा सा दिक्कत होगा, तो आप उसके लिए सेटिंग स्प्रे यूज कर सकते हो। तो पूरा एंड तक मैंने इस तरीके से घूस लिया है चोटी को, देन इसमें एक रबड़ बैंड लगा देंगे एंड पार्ट पे, जिससे कि हमारी चोटी जो है वो लंबे टाइम तक टिकी रहे, खुल ना जाए बीच में ही। अब इसको हल्का हल्का सा इस तरीके से खींचेंगे, जिससे कि हमारी ये पतली सी चोटी थोड़ी मोटी और वॉल्यूम दिखे। पूरा एंड तक खींचेंगे यहाँ तक,
तरीके से खींचने के बाद से जो हमारा बैक साइड का लेयर है उसमें एक डोनट बन लेंगे, जिससे कि हमारे छोटे पतले बाल होंगे वो अच्छे दिखें। इस तरीके से करने के बाद से हेयर को इस तरीके से फैला लेंगे। हेयर को फैलाने के बाद से अगेन एक रबर बैंड लेंगे और इस तरीके से लगा देंगे। ओके, अब इसको जो आपका हेयर है इनको पकड़ेंगे और टू पार्ट में डिवाइड करके सिंपली ट्विस्ट करते जाएंगे साथ साथ में। थोड़ा थोड़ा हेयर लेके ट्विस्ट करते जाएंगे और साथ साथ में हल्का हल्का टाइप को खींचते जाएंगे। कुछ इस तरीके का लुक आएगा। देन आराम से पीछे की तरफ लेके जाएंगे और नीचे की तरफ लाके इसको यू पिन से सिक्योर कर देंगे। तो है ना, बहुत ही इजी सा क्विक बन हेयर स्टाइल और हाई बन है। आप इसको लहंगे के साथ ब्राइडल पे भी, जिसको हाई बन बनाना होगा उस पर कर सकते हो, काफ़ी अच्छा लगेगा। अब जो इस साइड का हेयर है इनको सिंपली यहाँ से लेके जाएंगे और बन के पीछे से लेके आएंगे और इस तरीके से ला के अंदर की तरफ इंसर्ट कर देंगे और यू पिन से सिक्योर कर लेंगे। ये बन मुझे पूरा शाम तक, रात के 8 बजे तक रखना है ऐसे ही, और ये ऐसे का ऐसे रहेगा, बिल्कुल भी नहीं खुलेगा। अब आपको क्या करना है, जो आपके साइड के बेबी हेयर्स हैं या आपके हेयर स्टाइल को ख़राब कर रहे हैं, तो इसके लिए आप सेटिंग स्प्रे ले सकते हो। और सेटिंग स्प्रे से इस टाइप का सेटिंग स्प्रे, आपको ये हार्ड स्प्रे है इसका रेड कलर का, मैंने अपनी काफ़ी सारी वीडियोज में शेयर किया होगा आपके साथ। रेड कलर वाला जो होता है वो सॉफ्ट होता है, उससे भी बहुत अच्छे से हेयर सेट हो जाते हैं, बट इस ये लॉन्ग टाइम तक आपके हेयर पे चिपका रहेगा और आपके बालों को अच्छा लुक देगा। इस तरीके से आपको लगा देना है, जिससे कि आपका जो स्कैल्प दिखता होगा, हेयर स्टाइल को ख़राब कर रहा होगा स्कैल्प, वो अच्छे से सेट हो जाएगा। बैक साइड से जो हमारे बेबी हेयर होते हैं वो काफ़ी निकल के हमारे हेयर स्टाइल को काफ़ी हद तक ख़राब करते हैं, तो उनके भी आप इस तरीके से स्प्रे को लगा सकते हो। और यूपिन्स को अच्छे से लगा लीजिएगा, कहीं से आपका यूपिन्स कम ना पड़े एंड आपके हेयर स्टाइल को लॉन्ग टाइम तक स्टे रखेगा अगर आप यूपिन्स ज़्यादा लगा दोगे तो। तो आई होप कि आपको आज का हेयर स्टाइल भी पसंद आया हो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस तरीके की इजी हेयर स्टाइल ट्यूटोरियल्स वीडियोज़ देखने के लिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलेंगे नेक्स्ट हेयर स्टाइल के साथ। बाय बाय।